नमस्ते, श्री साई कुकिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वड़ा पाव की रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो उबले हुए आलू लिए हैं, चाहे तो आप कम भी ले सकते हो। उसके बाद लहसुन की कुछ कलियाँ, 1 इंच अदरक और 10 हरी मिर्च, इन्हें हम मिक्सर जार में दरदरा पीस लेंगे। यह हमारा वड़े का मसाला तैयार होगा। देखिए ऐसा ही हमें चाहिए। आलू का छिलका निकाल दिया है, अब हम हाथ से सारे आलूओं को मसल देंगे। अब मैंने तड़का पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच तेल डाला है। गैस को हमने स्लो रखा है। तेल गर्म होने के बाद उसमें जाएगी 1/2 चम्मच राई। फ्लेम को अब हम बंद करेंगे और इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। उसके बाद 8-10 कड़ी पत्ता। अब हमने जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। हमने फ्लेम को बंद ही रखा है। आप इसे हम मैश किए हुए आलू में डाल देते हैं। अब हमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है और इसे हाथों से मिक्स करना है। अब जाएगा 1 कटोरी हरा धनिया, हम फिर इसे मिक्स करेंगे। यह हमारा वड़े का स्टफिंग तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। अब उसमें जाएगी 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद हमें डालना है 1 चुटकी खाने का सोडा। इसे हमें पानी डाल के मिक्स करना है। हमें लम्स बिल्कुल ही नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो हमने बेसन का घोल बना दिया है, ऐसा ही हमें गाढ़ा घोल चाहिए। कढ़ाई में तेल को गरम कर लेते हैं। स्टफिंग के हम गोले बना देंगे। इसे हम बेसन के घोल में डाल देते हैं। अच्छे से बेसन से कोट करना है। अब हम तेल में थोड़ा सा बेसन डालेंगे। ये ऊपर आ रहा है, मतलब हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम वड़ा डालेंगे। पहला वाला मैंने हाथ से ही डाला है, अब दूसरा हम चम्मच से डालेंगे। ऐसे ही हमें चम्मच से डालना है। झारे से हम वड़े के ऊपर तेल डालेंगे, इससे वड़ा ऊपर से भी फ्राई होगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 3-4 मिनट में हो जाएगा। अब हम वड़े को पलट देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। इसी तरह से हमें सब वड़े बनाने हैं। साइड में जो बेसन के चीटे हैं, इससे हम चटनी बना देंगे। वड़े अच्छे से फ्राई हुए हैं, अब हम इसे निकाल देते हैं। इसी तरह से हमने सारे वड़े बना लिए हैं। बेसन का जो घोल बचा हुआ था उसे मैंने फ्राई किया है। इसकी हम चटनी बनाएंगे। 1 चम्मच मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे मिक्सर में घुमा देंगे। देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनी है हमारी। चटनी को हम पाव में लगा देंगे और वड़ा रखेंगे। ये हो गया हमारा वड़ा पाव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।